नमस्कार। खबर सिंघाना थाने के खानपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों ही खूनी संघर्षों में दोनों गुटों के करीब 5 जने घायल हो गए, जिनको सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक गुट के एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर झुंझुनू रेफर कर दिया। पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर जुटा हुआ है। वहीं मौके पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। दोनों पक्षों की तरफ से सिंघाना थाने में रिपोर्ट दी जा रही है। पूरा मामला बता दूं कि दोपहर को करीब 11 बजे दो गुटों में खूनी संघर्ष की सूचना मिली थी, जिसके बाद परिजन ही घायलों को सिंघाना के अस्पताल में लेकर आए। पहले तो प्रथम गुट के 3 जनों को घायल अवस्था में सिंघाना के सरकारी अस्पताल में लेकर आए, जहाँ उनके पाँव व सिर में चोट थी। उस गुट का आरोप था कि शिफ्ट गाड़ी में 7-8 जने आए और हम पर एक राय होकर हमला कर दिया, साथ ही ट्रैक्टर से भी जान से मारने की भी कोशिश की गई। कुछ ही देर बाद दूसरे गुट का एक व्यक्ति आया, जिसके हाथ में गंभीर चोट थी। उस गुट ने कहा कि यह महिलाओं पर टिप्पणी करने की बात को लेकर तूल पकड़ लिया और धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। वही बता दूं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काफ़ी दिनों से दोनों ही गुटों में जमीनी विवाद, सीमा ज्ञान को लेकर विवाद चल रहा था। आज यही विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सिंघाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने झुंझुनू रेफर कर दिया। वहीं दोनों गुटों द्वारा सिंघाना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया जा रहा है। सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान भी लिए हैं। दुकान में सामान लेने जा रहे हो तो फिर ससु गाड़ी आई शिफ्ट का, मैंने 8 जना है, मंजीत और विजेंद्र और विकास टोनो और लक्षू लक्ष्मीकांत और रुपवीर, अन्य 2 या 3 को मैं नाम कौन जानो, पर मैं अच्छी तरह दिखाई दूंगी मेरे लाटू में कड़म। फिर ये पीछे सो आए, फिर उन्होंने मारपीट करिए, गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करिए, चाचा गोपे का ट्रैक्टर गाड़ी और किशोरी लाल ट्रैक्टर ले गया है पीछे सो की बात को बल्ली से भी कोई ना कोई जरूर नहीं। मैं और प्रवीण सूरजगढ़ जा रहे थे, इनका वहाँ पे खेत है उस ऊपर की जमीन में, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में कॉल आया हमारे पास से रोशन लाल का कि ऐसे ऐसे कोई घटना हो गई खानपुर में, तो हम वापस बाइक लेके तुरंत वहाँ से दौड़े, तो 5 दुकान के पास आके हमने जो किराना की दुकान है वहाँ पर संपर्क किया, तो बोले कि यहाँ पे ऐसे ऐसे 8-10 लोग आए थे, मुनेश के साथ है, उनका जो भतीजा है विजयपाल पुत्र श्री वो जो भी है उनके साथ ऐसी घटना हो गई, वो बोले सियाणा हॉस्पिटल वो निकल गए, फिर हम तुरंत सियाणा हॉस्पिटल पहुँच गए। कितने जने घायल हो गए? 2-3-4 जन 3-4 लोग घायल हो गए वहाँ पे। कोई के बात के लिए कोई लड़ाई नहीं? नहीं कोई बात नहीं थी, पहले कोई मामला वो छोटी मोटी बात होगी कहाँ सुनी, जो जो भी है नहीं, मतलब कोई गंभीर बात नहीं है।